हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप सैमसंग J2 का FRP बाईपास करेंगे। जैसे आप रिसेट मारते हैं उसको, ये दिक्कत आती है उसमें जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे जीमेल अकाउंट मांगता है पुराना वाला, आप देखते रहिए वीडियो, हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्त, जीमेल अकाउंट को हटाने का तरीका आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, बहुत सिंपली है। आप अगर किसी दुकान पे आते हैं तो 100 से 200 रुपये लेता है। देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर जीमेल अकाउंट मांग रहा है, ये पुराना वाला जो हमको याद नहीं है, जिसका आईडी पासवर्ड हमको याद नहीं है। तो किस तरह रिमूव करेंगे आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आज की वीडियो का प्रोसेस पूरा आप जान जाएंगे तो हर फोन को आप बाईपास कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज आलम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरनेट से। अपना फोन हार्ड रिसेट मार दिया, इसके बाद आपको अपना तीन बार आपको अपना होम की प्रेस करना होता है। इसके बाद आप वन फिंगर को एल पर घुमाएंगे तो आपका फोन टॉल बैक में चला जाएगा। देखिए आप पूरा वीडियो, इस तरह से आप उंगली घुमाते हैं तो आपका फोन की टॉल बैक सेटिंग में आपको जाना होता है, आप चले जाइए। इसके बाद दोस्तों, आप दो फिंगरों को यूज कीजिएगा क्योंकि दो फिंगरों से आपका फोन चलेगा, और नीचे आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप टू फिंगरों से क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यूट्यूब पर जाना है, वीडियो देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप यूट्यूब पर आप प्रेस कीजिए, अपने यूज़ कीजिए फिंगरों का। दोस्तों यूट्यूब ओपन होने के बाद आपको यूट्यूब से ब्राउज़र पर जाना होता है, चाहे आप क्रोम ओपन कर सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल का ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो फ़ोन है उसका ब्राउज़र ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का टाइप करना होगा जहाँ से आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहाँ जाकर भी इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं और बहुत आसानी से अपना FRP लॉक रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ से हम FRP बाईपास करेंगे, उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम किसी टॉकबैक जो सेटिंग है उसको ऑफ करना होगा, तभी हमारी वेबसाइट टाइप होगी। क्योंकि ये टू फिंगरों पर फ़ोन चल रहा है अभी, तो हम उसको हटा देते हैं। तो आप दो फिंगरों को यूज़ कर अपने अप डाउन वॉल्यूम अप डाउन बटन को एक साथ दबाएंगे, जैसे हम फोन में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपने टू फिंगरों को यूज़ करके अपने टॉक बैक शो को सस्पेंड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर प्रेस करना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी टॉक बैक सेटिंग ऑफ हो चुकी है, यहाँ पर आप बहुत आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं और वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा सकते हैं यहाँ तक। यहाँ पर आपको VROM FRP पर जाना होगा, यहाँ पर आपको बाईपास गूगल अकाउंट 2020 पर एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे जिनका गूगल सेटिंग्स, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको क्यूक शॉर्टकट मेकर या Apex लॉन्चर डाउनलोड करना होगा। हम यहाँ पर क्यूक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड कर लेते हैं। आप हमारी वीडियो को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका FRP अनलॉक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको डाउनलोड में जाने के लिए अपने ब्राउज़र के बुकमार्क पर जाना होगा। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो आपके में अलग आता है डाउनलोड का ऑप्शन, जो ऊपर से आता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपना क्विक शॉर्टकट मेकर को यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे, आप देख सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ आपको इसको अनलॉक की परमिशन देंगे और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस चलता है, इसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है हमारे फ़ोन में, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको इसको ओपन करना होता है। दोस्तों ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा फ़ोन की, तो हम यहाँ पर सेटिंग को ढूंढ लेते हैं। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ में जाकर आपको यहाँ पर सेटिंग को देखना है। इसके बाद आप सेटिंग में जाकर बहुत सारा काम आपको यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। तो हम यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग में चले जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं जिससे आप लर्निंग कर सकें और दोस्तों अर्निंग कर सकें, यानी कि आप पैसा कमा सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर अनलॉक सोर्स पर जाना होगा। हम नीचे चले जाते हैं जहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्टर पर जाकर फाइंड माई फ़ोन को इसको डिसएक्टिवेट करना होगा। इसके यहाँ पर आपको इसको डिसएक्टिवेट करने के बाद आपको जाना है एप्लीकेशन में, वहाँ पर जाकर आप प्ले स्टोर और प्ले स्टोर सर्विस को आप डिसेबल कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिस्टम शो सिस्टम एप्लीकेशन में आपको जाना है। यहाँ पर आपको
प्ले स्टोर की जो सर्विस है उसको डिसेबल कर देना है। हम यहाँ पर देख लेते हैं उसको, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर हम प्ले स्टोर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर सर्विस मिल चुकी है, इसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है इसको, और हम प्ले स्टोर को भी डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद दोस्तों आपको बैक जाना है अपने फ़ोन में, और वापस जाते हुए आपको यहाँ पर फिर सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पर जाना है। तो दोस्तों सेटिंग में ये काम होने के बाद आपको हमको वापस आना है अपने क्विक शॉर्टकट मेकर में। यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर में जाना है, तो हम यहाँ पर अपनी फाइल मैनेजर को देख लेते हैं कहाँ पर है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ काम करना होगा। देखिए आप यहाँ ड्राइव पर क्लिक कीजिए, इसके बाद आप फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ पर दो एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड की थी वहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर आपको जो सेटिंग डाउनलोड की थी आपने गूगल सेटिंग, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। सेटिंग में जाएंगे, इसको परमिशन देंगे अनलॉक शॉर्ट्स की। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में गूगल सेटिंग को। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ओपन करके आपको देख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक जाना है, और फिर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है दोबारा क्विक शॉर्टकट मेकर के माध्यम से। तो हम यहाँ पर वापस हो लेते हैं, एक बार फिर आपको वहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर अपने सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर हम अपने फ़ोन की सेटिंग को दोबारा देखते हैं। आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ट्राई पर क्लिक करेंगे, और हम अपने फ़ोन की सेटिंग में आ गए। यहाँ पर दोस्तों आपने जो अकाउंट आपको एक क्रिएट करना होगा, अगर आप चाहें तो दोस्तों नया अकाउंट भी बना सकते हैं अगर आपके फ़ोन में 4G सिम पड़ा हुआ है तो। नहीं तो दोस्तों आप अगर फ़ोन में सिम नहीं है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा ईमेल आईडी ऊपर। तो हम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड है, अगर दोस्तों आप क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद दोस्तों एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट हमारा जुड़ चुका है दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट जुड़ चुका है। इसके बाद आपने जो डिसेबल किए थे एप्लीकेशन उनको इनेबल करना होगा, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर इसको एक्टिवेट करना होगा। तो हम ये सब काम कर देते हैं, हम फिर जाएंगे अपने फ़ोन के सिक्योरिटी एंड फीडबैक में। यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, हमको अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएंगे, यहाँ पर एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर को एक्टिवेट करेंगे। वापस जाएंगे दोस्तों, हमने जो एप्लीकेशन डिसेबल किए थे उन एप्लीकेशन को हम दोबारा इनेबल कर देते हैं। यहाँ पर जाकर तो डिसेबल पर क्लिक करेंगे, जो डिसेबल एप्लीकेशन होंगे वो जाएंगे, यहाँ पर हमको इनेबल कर देना है। यहाँ बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इनको इनेबल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको छोटा सा काम करना होता है अपने फ़ोन में, और आपका जो फ़ोन का जो FRP है वो ऑन हो जाता है, यानी कि आपका जीमेल अकाउंट आपके फ़ोन से हट जाता है बहुत आसानी से। तो दोस्तों ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्विक शॉर्टकट मेकर को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना सिस्टम एप्लीकेशन में जाकर, यहाँ पर नहीं तो ये बात को आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको फ़ोन को अपने रीसेट कर देना है सिंपली तरीके से। यहाँ पर हम रीसेट पर क्लिक करेंगे, रीसेट वाला बटन दबाएंगे, इसके बाद हमारा फ़ोन रीसेट हो जाता है। अब ये फ़ोन जब खुलेगा तो आपसे जीमेल अकाउंट नहीं मांगेगा बिल्कुल, हम इसको सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ पर हमको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर हमारा फ़ोन ऑन होता है, तो हमको ये आता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए हमको दोनों फिंगरों को यूज़ कर देना है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसको करके देखते हैं ये जीमेल अकाउंट मांग रहा है या नहीं, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आप अगर फ़ोन में सिम नहीं है 4G तो आप यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑल एग्री पर क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं चेकिंग अप अपडेट का थोड़ा प्रोसेस चलता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा पोस्ट कर देते हैं वीडियो को एक बार। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर अकाउंट एडिट होने के बाद गेटिंग अकाउंट का थोड़ा प्रोसेस चलता है। हम यहाँ पर वीडियो पोस्ट करेंगे थोड़ा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर पिन पैटर्न आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पर नोट नाउ पर एक बार क्लिक करेंगे आप सिंपली तरीके से, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे गूगल परमिशन को, चेकिंग थोड़ा प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर स्कैप कर दीजिए, यहाँ पर मेट योर गूगल असिस्टेंट्स को। इसके बाद जस्ट ए सेकेंड का थोड़ा समय लेगा, थोड़ा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप ऊपर करेंगे इसको, स्कीप का ऑप्शन आ जाएगा, स्कीप करेंगे गूगल अकाउंट को, सैमसंग अकाउंट को स्कीप करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फिनिश करेंगे, हम इसको फिनिश कर देते हैं। इसके बाद आपसे इस सिम के बारे में पूछता है, अगर आप डन करेंगे यहाँ पर, हमारे फ़ोन में सिम पहले से ही डला हुआ है।
इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस और लेगा। यहाँ पर हम इसको कम्प्लीटली हटाना सिखा रहे हैं आपको। आप J2 के जितने भी फ़ोन हैं उसका FRP इस तरह कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको कोई और मॉडल है तो आपको हमको कमेंट्स लिख सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे। और वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हैं हमको। यहाँ पर स्कैप करेंगे इसको, कमेंट्स में लिखकर आप ये बताइएगा। तो दोस्तों हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे एक बार, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोन सिंपली तरीके से यहाँ पर ऑन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। पर ये फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसको आप जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की थी इस दिक्कत को दूर करने के लिए जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, सेटिंग्स, गूगल सेटिंग्स और यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर, क्विक शॉर्टकट मेकर, इनको आप सेटिंग एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर इन डिसेबल कर देंगे या आपको उनको हटा देंगे या डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों सेटिंग में जाकर हम इनको अनइंस्टॉल कर देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर और हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।